कब्ज का मतलब पहले तो ये समझना होगा कि मल जो है उसका बाहर ना निकलना, वहां चिपक जाना पूरे कोलोन में, लेकिन उसकी सफाई नहीं होनी, राइट। तो वो सफाई क्यों नहीं होना? अच्छा, आप इसको ऐसे देखिए कि कोई भी थाली है उसमें तेल लगा हुआ, उसको साफ करना तो क्या करेंगे? हाँ, वो सिर्फ पानी मारेंगे तो नहीं होगा, उसके लिए अलग से ब्रश, अलग से एक तरह का सोप चाहिए जिससे वो क्लीन होगा। अदरवाइज वो चिपचिपा रहेगा, और चिपचिपा रहेगा तो उसमें धूल उल रहेगी तो वो भी चिपक जाएगा, उसके ऊपर से कुछ और आएगा तो वो भी चिपक जाएगा। तो हमारे जो कोलोन है, कोलोन भी उसी तरह से है, उसकी सफाई के लिए भी खास तरह का ब्रश और एक खास तरह का साबुन की आवश्यकता होती है। और फॉर्चुनेटली ये खास तरह का ब्रश और खास तरह का साबुन नेचर ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है खाने पीने के रूप में, राइट। और वही उसका डिटर्जेंट और उसका ब्रश। और वो ब्रश क्या है? ब्रश है फाइबर्स, फाइबर। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपने नाम सुने हैं या देखा है कभी या खाया है, उसके अंदर वो ब्रश होता है, फाइबर होता है, उसी रेशियो में जिस रेशियो में बॉडी को चाहिए। तो और उसके अंदर वो केमिकल भी होता है, लाइव एंजाइम्स भी होते हैं उसी के अंदर। और वो केमिकल और लाइव एंजाइम जब आप खाएंगे तो जाहिर सी बात है वो फाइबर यानी कि वो ब्रश, और वो केमिकल लाइव एंजाइम यानी कि वो सोप साबुन, वो जाएगा और अपने आप ही क्लींजिंग होने लगेगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये तो ही एक पहलू। दूसरा है कि कई लोग बोलते हैं चलो फाइबर के लिए अलग अलग लैक्सेटिव, आपने बोला ही वो अलग से हम इसोबोल और के नाम से ना जाने क्या क्या नाम से हम खुद ही अलग से ले लेंगे। सिमिलरली वो जो केमिकल है उसके ना उसके लिए भी इनो वगैरह कुछ और ले लेंगे। तो मिला जुला के वही चीज़ हम आर्टिफिशियली लेना चाहते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि हमारे स्टमक के लिए भी भगवान ने एक अलग ब्रश और एक अलग साबुन क्लींजिंग एजेंट बनाया होगा जो उसी के लिए परफेक्ट होगा, और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर ही भगवान ने डाल के दिया है, पैकेजिंग करके दिया है। और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक एप्रोप्रिएट मात्रा में जब लेंगे तो वो ब्रश और वो साबुन पेट में चला जाएगा और क्लींजिंग होने लगेगी। और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर हमने तो ये देखा है कि जो लोग एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वो लेते हैं, खास क्वांटिटी में, तो 3-4 दिन के अंदर उसका कॉन्स्टिपेशन तो क्या, कई बार तो लूज मोशन भी शुरू हो जाते हैं और फिर दोबारा जीवन में कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। देखिए, कैलकुलेशन की अगर आप प्रिसाइसली बात करते हैं तो आप यूँ मानिए आपके डाइट का 60%, मान लो कोई 2 किलो भोजन खाता है पूरे दिन भर में, 2 किलो जितनी भी चीजें आप खाते हैं उन सबको तोड़ना शुरू कर दीजिए, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, चाय पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं उल्टा सीधा, जो भी पेट में डालते हैं उन सबको एक दिन तोड़िए, तोल के देखिए पूरा दिन कितना सारा सामान आप हजम कर जाते हैं। वो अगर तोलेंगे कितना केजी है, मान लो 2 केजी होता है, अब उसका 60% निकालिए, 60% मतलब 1200 ग्राम, यानी कि 1200 ग्राम जो होगा दैट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स वेजिटेबल नट्स स्प्राउट्स टुगेदर 1200 ग्राम अगर आप ले लें तो, या 1200 ग्राम भी अगर ज़्यादा लगे तो कभी कभी आधा 50%, 1 किलो अगर आप ले लें पूरे दिन भर में, जो लोग 2 किलो ओवरऑल खाना खाते हैं तो 50% लेने की, 1 किलो भी अगर आप ले लें पूरे दिन भर में कभी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बीच में, कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल, कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल, कुछ सीड्स कुछ नट्स कुछ स्प्राउट्स, इस तरह से अगर आप ले लेंगे तो बात बन जाएगी। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं हो सकती, और जिनको है वो 2-4 दिन 5 दिन में ठीक हो सकता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको सालों साल से है, उनको भी ठीक हो सकता है, लेकिन वो ब्रश और क्लींजिंग एजेंट का सेवन, जैसे नहाते हैं हम, अरे कोई बोलता है कब तक नहाना पड़ेगा साफ रहने के लिए, भाई रोज ही नहाना पड़ेगा, एक बार नहाओगे तो एक बार साफ हो गए, फिर अगले दिन दोबारा हम नहाते हैं, ठीक उसी तरह से कब तक हमें इस तरह का भोजन लेना पड़ेगा, अरे भाई जब तक आप चाहते हो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन दोबारा से ना हो तब तक। तो ये छोटा सा एक ओवरऑल व्यू है आपके सवालों के जवाब में।